हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अभी आपकी चल रही है मिड सेशन टेस्ट सीरीज, जिसमें ये टेस्ट नंबर आपका 5, और इसमें आपके टॉपिक लिए गए हैं फंक्शन, ITF, LCD, और सेट सिलेक्शन लिया हुआ है मेंस में, और एडवांस में ये टॉपिक नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा आपको पता है इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपन क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं इसका। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ्स CLC सीकर से। तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपसे, इफ एफ ऑफ 2x प्लस 3y 2x माइनस 7y इक्वल है 20x के, तो कह रहा है बताओ एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले तो एक काम करो, आप इसको मान लो u और इसको मान लो आप v। तो इसको u मान लिया, u इसको मान लिया v, तो देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू u, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू v। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो आप एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, ये 7y है तो यहाँ पर 7y आ जाएगा। तो एक काम करो, सबट्रैक्ट घटा दो, है ना, माइनस कर दो, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2x 2x क्या बच गया, 10y इक्वल टू यू माइनस वी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई y की वैल्यू बेटा, u माइनस वी अपॉन 10, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आने के बाद किसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ से, x की। तो x की वैल्यू निकालें अपन, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो एक काम करते हैं, यहाँ रख देते हैं ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी u माइनस 3y अपॉन 2। रखो तो u माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3u माइनस 3v अपॉन में कितना आएगा, 10, और होल अपॉन कितना है, 2। ठीक है, ये x का वैल्यू है। तो x के लिए जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखते लेते हैं, ये 10u माइनस 3u तो कितना हो गया, 7। तो ये आ जाएगा आपका 7u, 7u माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस होने के बाद ये कितना बचा, 3v अपॉन में कितना आ गया, 20। तो ये आ गया आपका क्या, x। अब आपसे क्या कह रहा था ये, कि फंक्शन जब 2x प्लस 3y को अपने u मान लिया, तो f u कॉमा v किसके इक्वल जाएगा बताओ, 20x के। तो 20 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, x। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी, 7u प्लस 3v अपॉन 20, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ गए। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर बचेगा 7u प्लस 3v। तो आपका जो रिजल्ट आएगा f ऑफ u v इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7u प्लस 3v। तो यानी कि u को अगेन रिप्लेस कर दो आप x से और v को y से, तो क्या मिल जाएगा, 7x प्लस 3y। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा इसमें। चलें आगे नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है ये, इफ एफ एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अप टू 1 प्लस प्लस 1 अपॉन n, और वैल्यू फाइंड करनी है इन सबके सम की, किसका, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू fn। तो एक काम करें, यदि एफ एन इसके बराबर है, तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन का मान किसके बराबर होगा। तो एक काम करो आप, पहले एफ वन की वैल्यू बताना मेरे को क्या आ जाएगी, एफ वन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, एफ टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू की वैल्यू होगी 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, एफ थ्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन अप टू एफ एन। एफ एन की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1 अपॉन एन तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इन सबका सम करना है मेरे को, तो मैं सबको ऐड कर दूँ। सबको जब ऐड करोगे आप, तो आपके पास जो सम आएगा, सम तो यही है, रिक्वायरमेंट तो अपनी ये है, तो सबको ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो आ जाएगा 1 1 1 1 1, कितनी बार आ रहा होगा बताओ, एन टाइम्स, तो 1 आ गया आपका एन टाइम्स। अब मेरे को बताओ 1 अपॉन 2 कितनी बार आएगा, इसमें तो 1 अपॉन 2 आ नहीं रहा फर्स्ट वाले, है ना, F1 में, तो इसका मतलब कितनी बार आएगा, एक कम बार आएगा, तो n माइनस 1 टाइम आएगा ये, प्लस 1 अपॉन 3 बताओ कितनी बार आएगा, n माइनस 3 टाइम्स आएगा, और ऐसे ही चलते चलते 1 अपॉन n कितने टाइम्स आएगा बताओ, सिर्फ एक बार आएगा। इससे पहले वाले में तो क्या आएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे 1 अपॉन n कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आएगा, क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या किया, अब आप देखो 1 इंटू n आ रहा है, 1 अपॉन 2 इंटू n आ रहा है, 1 अपॉन 3 इंटू एन आ रहा है, ऐसे ही 1 अपॉन एन इंटू 1 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, लास्ट में जो ये 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 को लिख दिया मैंने n माइनस n माइनस n माइनस 1, लिख सकते हो आराम से n माइनस n माइनस 1, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 1 बच जाएगा। तो अब ये जो n है, n इंटू 1 अपॉन n, इसमें से n कॉमन आ जाएगा सब में से, तो सब में से n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन 2 प्लस यहां पर 1 अपॉन 3 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो, 1 अपॉन एन आ जाएगा ये वाला, और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एन। अब बच क्या गया, एक्स्ट्रा में क्या बच गया, एक्स्ट्रा में बच गया माइनस का हाफ,
अगेन माइनस का ये 2 था ना, ये 2 था, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या जाएगा माइनस का n माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया माइनस का n माइनस 1 अपॉन n, ये आ गया। अब एक काम करो आप, ये समझना की बात, इसको हटा दूं, ऐसे रब कर दूं, चलो चलो देखो, अब ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व सिंप्लीफाई कर रहा हूं अगेन, है ना, समझो आया है, वो आया है आपका n into this, तो ये तो क्या हो गया कंप्लीट, दोबारा से fn बन गया, देखो ध्यान से आप, fn बन गया, तो n into ये तो आ गया fn। अब जो माइनस बच गया सारा, इसको आप क्या ले सकते हो, आप देखो ध्यान से, इन सब में से आप माइनस साइन ले लो कॉमन, या फिर एक काम करो माइनस हाफ है ये, चलो माइनस साइन पहले कॉमन ले लो आप, इजी रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 को क्या लिख दो आप, 1 माइनस 1 अपॉन 2, अगेन 2 अपॉन 3 लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 3, ऊपर जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो नंबर क्या है 1 लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं अपनी वाली सीरीज में। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2 अपॉन 3 को लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन 3, अगेन 3 अपॉन 4 को आप क्या लिख दोगे बोलो, 1 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या लिख रहा है n माइनस 1 अपॉन n, उसको भी क्या लिख दोगे आप, उसको भी क्या लिख दोगे आप 1 माइनस 1 अपॉन n, बोलो गलत तो नहीं कह रहा। अब ये देखो 1 1 1 1 1 कितनी बार आ गया n टाइम्स, तो ये तो हो गया n इंटू एफ एन माइनस ये 1 1 1 1 ऐड होके कितना हो गया n माइनस, इसमें से कॉमन ले लो आप माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन n, इन समय से माइनस साइन कॉमन लोगे तो अगेन क्या बचेगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 अप टू 1 अपॉन n, और 1 अपॉन 2 से लेकर 1 अपॉन n तक का जो समय वो कितना है fn माइनस 1 हो जाएगा, fn माइनस 1। तो एक काम करें, एक मिनट रुको, 1 माइनस 1 अपॉन 2 लिखा तुमने, 1 माइनस 1 अपॉन 3 लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया, यदि ये n टर्म्स थे, 1 के नीचे 1 आ रहा था, 1 के नीचे 2, 1 तो ये n टर्म्स ये थे ना, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने इसमें से 1 1 1 को ऐड किया तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन n है। तो एक काम करो ना आप, आपने जब 1 को ऐड किया तो 1 कितनी बार आया होगा यहां पर 2 3 4 n माइनस 1 टाइम आया होगा, इसका मतलब ये जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है यहां पे n माइनस 1 टाइम आ रहा है, इसका मतलब तो n n ये 1 n टाइम्स नहीं आएगा, कितनी बार आएगा n माइनस 1 टाइम आएगा, इसका मतलब तो n माइनस 1 टाइम आ गया कौन n। अब अंदर क्या बच गया बोलो, अंदर बच गया माइनस का ये क्या बच गया हाफ, इसको रब कर दूं थोड़ा सा, चलो माइनस का क्या आ गया हाफ माइनस 1 अपॉन 3 माइनस कहां तक माइनस का 1 अपॉन n, सही है। अब इसको कर लो आप सॉल्व, n इंटू क्या आ गया एफ एन माइनस n, और प्लस के हो गए सारे, और वो क्या बन गया अगेन एफ एन बन गया, ठीक है ना, सारे प्लस के हो गए ना, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस आने बार, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू एफ एन आ गया, और माइनस में कितना आ रहा है n आ रहा है, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा n प्लस 1 इंटू एफ एन माइनस n, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ये वाला होगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बाकी इसको ना मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, आपको खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस। अच्छा चलो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा है परम्यूटेशन क्या होता है अपना, एन पी आर और एन सी आर, आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि, चलो आपको ये बताना चाहिए एन सी आर कब डिफाइंड होता है, या फिर एन पी आर कब डिफाइंड होता है, ये व्हेन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये तीन बातें अपने पढ़ी हैं कि एन सी आर और एन पी आर डिफाइंड कब होता है, ये तब डिफाइंड होता है जब एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, आर होल नंबर हो सकता है, और एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, छोटा नहीं होना चाहिए आर से, ठीक है ना, ये नहीं कि नेचुरल नंबर तो है बट छोटा है आर से, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका डोमेन इसका निकाल लो आराम से आप, फिर रेंज निकाल लेंगे। तो पहले बताओ 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो कर लो 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो कितना आ गया यहां से एक्स लेस देन 7 आ गया, ठीक है, तो एक्स लेस देन 7, 7 अब एक्स के नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, एक्स की वैल्यू हो सकती है आपकी 6,
5, 4, 3, 2 और 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 6, सही है। और 7 पे आ जाएगा 0, नहीं 7 ही लेंगे, ठीक है ना। तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए अपने, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक काम करते हैं, अब वन शुरू कर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब बोलो नेक्स्ट, लेकिन x जब 1 से छोटा होगा तो तभी तो ये नेचुरल नंबर हो सकता है ना। 0 रखोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, है ना। माइनस 1 रखोगे तो 8 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो एंड सो ऑन। तो x का जो सेट है वो क्या आ गया, 6 से लेकर अप टू माइनस इनफिनिटी सारे इंटीजर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन किस पर, लोअर इंडेक्स पर। तो x माइनस 3 क्या होना चाहिए बोलो, ये होल नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या जाएगी बोलो, यहां से ये आ जाएगी आपकी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब लास्ट लास्ट काम क्या रहेगा अपना, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए बताओ कंडीशन क्या लगाते हैं अपन, 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, कहां गया लोअर इंडेक्स, x माइनस 3, ठीक है। तो करो इसको, तो कितना हो गया ये 2x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया ये 10 आ गया। तो x क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, तो x के लिए क्या क्या पॉसिबल है, 5 से छोटे सारे इंटीजर्स, 5 या 5 से छोटे इंटीजर्स। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इन तीनों का आप क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो आपको क्या मिल जाएंगी, x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ रही है देखो जरा ध्यान से, 3, 4, 5 और ये 5, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू आ रही है ना, फर्स्ट, सेकंड और 3, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन ले रहे हो तो क्या आ रही है x की वैल्यू, एक तो आ रही है 3, एक आ रही है 4 और एक आ रही है 5। तो ये तीन वैल्यूज आ रही है x की, इन तीन वैल्यूज के लिए देखते हैं रेंज क्या आती है। तो आप जब 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा ये 4p0। तो पहला आ रहा है बेटा आपका 4p0 कॉमा, सेकंड क्या आएगा जब 4 रखोगे तो क्या आएगा 3p1 और जब 2 रखोगे तो क्या आएगा 5p रखा है तो क्या आएगा 2p2 आएगा, समझ गया ना बात को, क्या लिखा हुआ है मैंने 2p2। तो अब आराम सॉल्व करके निकाल लोगे आप, ठीक है, चेक कर लोगे वैल्यू निकाल लोगे आराम से, चलो कर लो। और तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोर्थ, द फंक्शन fx इक्वल्स टू 3 to the power x minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन x इंटू ln ऑफ 1 plus x, x नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सबसे पहली बात क्या कहना चाह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है अपने को, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। जैसा कि मेरे को पता है फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में क्या लेते हैं अपन, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड बोथ लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो एक काम करते हैं ना अपन, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या हो गया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज f0। तो कुछ मत करो आप, f ठीक है, चलो तो कुछ मत करो आप तो बस क्या करो, आप तो कुछ मत करो, क्या करोगे बोलो, f0 नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू f0 पॉजिटिव इक्वल्स टू f0, ठीक है ना, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, है ना, अपने को पता है। तो क्या हो जाएगा बोलो, सबसे पहले मैं क्या करूं, f0 नेगेटिव चेक कर लूं, LHL एट x इक्वल टू 0, तो बोलो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 to the power x minus 1 होल स्क्वायर अपॉन साइन x इंटू ln ऑफ 1 plus x। अब देखो लिमिट की जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए अच्छे हो जाता है, सिंपल सी बात है ना। आपको जो टाइप्स ऑफ है ना, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं वो आपने पढ़ी हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है तो कितना होता है 1, टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है ना, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, और ln x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a वो क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, है ना, काफी सारे पढ़े हुए हैं। तो यहां पर जैसे अपने को साफ दिख रहा है ये क्या है, a की पावर x माइनस 1, यहां पर क्या है साइन एक्स, यहां क्या है ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो मैंने क्या किया, ln ऑफ 1 प्लस एक्स को x डिवाइड किया, साइन एक्स को x डिवाइड किया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अभी आप
पुट करके देखोगे इसमें तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है ना, आप चेक कर लो आराम से ना, 0 को जब पुट करोगे तो 3 का पावर 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 0, तो न्यूमरेटर इज 0, नीचे कटोगे तो साइन 0 0 और ln 1 का वैल्यू भी 0, तो 0/0 का फॉर्म है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसमें से स्टैंडर्ड लिमिट बन सकती है ना उनको तो आप कम से कम क्लियर करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो देखो ये तो क्या हो गया यहाँ से गायब हो गया है ना, ये दोनों गायब हो गए, क्या हो गया दोनों 1 1 बचा के आपने पास एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख दोगे आप 3 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो वहां से 3 की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है अपना, इसका रिजल्ट आता है अपना ln a, लेकिन इसका क्या होल स्क्वायर है, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना ln 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा बताओ, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है ये, fx इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी के लिए अपने को ये दे रखा है x माइनस 1 होल टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 होल टू द पावर 2n अपॉन प्लस 1, ठीक है। ये पूछ रहा है डिस्कंटिन्यूस किस पॉइंट पे होगा, तो एक बात और मेरे को पता, पहले आप डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या चेक करना होगा अपने को, फंक्शन की वैल्यू है ना और LHL और RHL। तो पहले तो एक बात बताओ मेरे को आप, n यदि इन्फाइनिट को टेंड कर रहा है, जब भी पावर इन्फाइनिट को टेंड कर रही हो ना, तो हमेशा उसका पहले बेस चेक करो आप कि इसका जो बेस है वो कहाँ टेंड कर रहा है, यदि वैल्यू 1 से छोटी आ रही है बेस की तो वैल्यू किसको टेंड करेगी 0 को, और यदि बेस 1 से बड़ा है तो वो किसको टेंड करेगा इन्फिनिट को। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा और प्यार से लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट और ऊपर लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होल टू द पावर एन माइनस 1 और सेम है नीचे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होल टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ माइनस 1 यहाँ प्लस 1। चलो तो एक बात बताओ, जो सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं वो किस पर कर रही हैं, x माइनस 1 के होल स्क्वायर पर। तो मैंने तीन बातें सोची, या तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो, 1 होगा, या 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। चलो ये क्या किया, 1 या 1 से बड़ा है ना, है ना, 1 से बड़ा, या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या अपना 1 के इक्वल। तो ये बताओ मेरे को आप, यदि 1 के इक्वल होगा होल स्क्वायर तो क्या होगा 1 की पावर एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तो क्या होगा 1 होगा। यदि 1 से बड़ा है बेस है ना, 1 से बड़ा है बेस तो पावर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो किसका क्या आंसर आएगा इस केस में, इन्फिनिट, और उस केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि 1 से छोटा वैल्यू है और उसका पावर इन्फिनिट है तो क्या होगा वो 0। तो चलो अब आ जाओ फटाफट से आप बताओ मेरे को, ये जो एफ एक्स है वो क्या क्या आ सकता है बताओ जल्दी से, सिंपल सा बताओ मेरे को, यदि एक्स किस पे चेक करना है अपने को, 0 पे चेक करना है और 2 पे चेक करना है। चलो तो पहले मेरे को बताओ x 0 के लेफ्ट में क्या रहा होगा, 0 के लेफ्ट में x है तो यानी कि x क्या है 0 से जस्ट छोटा नंबर है, तो क्या लोगे बताओ 0 से जस्ट छोटे नंबर के लिए। चलो यहीं रख लेते हैं, 0 से जस्ट छोटा नंबर रखोगे आप यहाँ पर तो माइनस का 1 है और 0 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो माइनस 1 में वो ऐड हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 से और जस्ट छोटा नंबर हो जाएगा, बट उसका परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर बनेगा तो नंबर क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, और नंबर यदि 1 से बड़ा होगा तो वो कैसा हो गया, बेस 1 से बड़ा हो गया, और बेस 1 से बड़ा है और पावर किसको जा रही है, इन्फिनिट को, तो ये जो फॉर्म है वो कौन सी बन रही है, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है। तो आप उस केस में क्या करोगे, हाईएस्ट डिग्री से क्या करोगे, डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, तो उसमें जो कोफिशियंट होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, लिमिट होती है, तो क्या होगा इस केस में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझे नहीं समझे मेरी बात को, आपको पता है ना लिखा हुआ है, मान लो यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट है, और यहाँ लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और नीचे है डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ और इसकी आपको लिमिट निकालनी है। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनिट है तो क्या होता है, जब इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म होती है तो क्या होता है, एक्स हाईएस्ट डिग्री से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा आपने, तो क्या बचेगा रेशियो, ए अपॉन डी बचेगा, नहीं बचेगा, बाकी टर्म तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे ना इन्फिनिटी की वजह से, तो क्या हो गया ए अपॉन डी आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर एन है तो आप इस टर्म से क्या कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस एन, तो पावर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उस केस में, जब बेस क्या 1 से बड़ा है, तो क्या बचेगा अपना कोफिशिएंट यानी कि 1 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा बताओ मेरे को, जब x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 और नीचे 1 प्लस 1 कितना 2, बट 0 अपन 2 कितना आ गया 0। चलो नेक्स्ट 2 पर चेक करना है इसके बाद, चलो तो 2 से बड़ा ले लेते हैं x ग्रेटर देन, अच्छा 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं ना, 0, अच्छा 0 से लेफ्ट चेक कर लिया, अब 0 के राइट में ना, 0 के राइट में बट 2 से छोटा नंबर, ठीक है। तो बताओ 0 के राइट में क्या रहा होगा,
जीरो के राइट में क्या रहा होगा बताओ जल्दी से मेरे को। सो जीरो के जब राइट में लोगे आप तो जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू रखोगे तो माइनस वन करोगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से जस्ट बड़ी, बट स्क्वायर होकर क्या हो गया, वन से जस्ट छोटी वैल्यू, और वन से छोटी वैल्यू की पावर इन्फिनिट जा रही है तो क्या हो जाएगा ये जीरो, ये भी जीरो, तो माइनस वन अपॉन वन कितना आ गया माइनस वन, इस केस में कितना आ रहा है माइनस वन आ रहा है। चलो ये तो यहीं से दिख गया मेरे को क्या कि जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में जो लिमिट है एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। ऐसे ही आप टू पे चेक करना है आपको, तो क्या करोगे x इक्वल टू टू रख लो आप, तो टू माइनस वन कितना हो गया वन हो गया, एक्जेक्ट वन हो गया, तो वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। और टू के राइट में क्या हो जाएगा, टू से जस्ट बड़ी वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो वन से जस्ट बड़ी वैल्यू आएगी, तो वही कोफिशियंट का रेशियो आ जाएगा, तो अगेन कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस वन आएगा, है ना, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है ना टू से जस्ट बड़ी के लिए, समझ गए ना कैसे, टू से जस्ट बड़ा नंबर रखोगे तो टू से बड़े नंबर रखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा वन से जस्ट बड़ा आएगा, तो वन से जस्ट बड़े नंबर का स्क्वायर क्या हो गया वन से जस्ट बड़ा, तो उस केस में क्या होगा उसका पावर इन्फिनिट है तो किसको टेंड करेगा वो इन्फिनिट को, तो अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय दिस टर्म, तो क्या आएगा वन आएगा, तो क्या हो गया इसका मतलब वन आएगा ना, तो क्या आ गया अपना टू पर भी, टू पर भी क्या हो रहा है, टू पर भी क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब, तो फंक्शन क्या है इसका मतलब जीरो और टू दोनों पर ही डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, हो गया सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड इज नॉन डिफरेंशियबल इन द इंटरवल माइनस वाई से प्लस वाई। चलो कर लेते हैं पहले, पहले तो ये बताओ कॉस एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा सेम बनेगा, है ना, तो आप कॉस एक्स का ग्राफ बना लो और कॉस मॉड एक्स का एक ही बात है, मॉड ऑफ टेन एक्स का ग्राफ क्या बनेगा बताओ, तो आपने पहले यहां से लाए उसके बाद क्या होगा ग्राफ नीचे जाएगा, बट अपने को क्या है मोड लेना है इसका, है ना, यहां मैं ले लेता हूं पाई, ये हो गया पाई बाई टू, ठीक है, तो अगेन ये ग्राफ क्या होगा घूम जाएगा तो ऐसे आएगा, फिर अगेन ऐसे, और यहां पे जो ग्राफ आएगा आपका ये, ठीक है ना, ये इसका भी क्या होगा मोड ले लेंगे अपन, तो ये आ जाएगा, तो फाइनली ये जो ग्राफ आ रहा है अपना वो कौन सा वाला है ऊपर वाला, है ना, नीचे वाले को आप हटा दो, नीचे वाला हटा दिया मैंने, ठीक है ना, तो अब बताओ कॉस एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ तो अपना सिंपल है ये बन जाएगा, ये बनेगा, है ना, माइनस वाई से प्लस वाई में, तो बताओ डिफरेंशियबिलिटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट कितने आएंगे इसमें, चेक करो फटाफट से आप, माइनस वाई से लेकर प्लस वाई तक, ठीक है ना, तो बताओ कितने जाएंगे, एक तो ये पॉइंट आएगा शार्प कॉर्नर, एक ये आएगा दो, एक यहां पर डिस्कंटिन्यू, यहां पर तीन और ये चार, तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी होंगे इसमें, चार होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है इसका मतलब। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स क्या है माइनस वन से प्लस वन के बीच में है और जब एक्स ग्रेटर देन वन है तो वन प्लस लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स, तो एक काम करते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहा है वो वन पर क्या रहा होगा फंक्शन मेरा, तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो अपन एल एच एल आर एच एल चेक कर लेते हैं, तो पहले क्या करोगे बताओ एल एच एल चेक करें, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो चेक कर लो आप, किस में इंक्लूड हो रहा है वन, ऊपर वाली ब्रांच में इंक्लूड हो रहा है, तो वन पे वैल्यू कितनी आ रही है वन माइनस वन जीरो और वन माइनस जीरो वन, तो एफ एफ वन की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, ठीक है चलो वन पर रखो, एफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, एफ वन की वैल्यू आ रही है जीरो, सॉरी एफ वन की वैल्यू आ रही थी वन, है ना, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो जीरो वन, तो एफ वन की वैल्यू आ रही है वन, अब वन के लेफ्ट में क्या हो रहा होगा, वन के लेफ्ट में वही आएगा वन, और वन के राइट में क्या हो जाएगा बताओ, वन के राइट में कितनी आ रही है लिमिट वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो अगेन इट विल बी वन, तो यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर वन, अब कंटिन्यूअस है तो अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो क्या करा जाए बताओ, डिफरेंशिएट कर लें सीधे, तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा बताओ, एफ डेस एक्स आ जाएगा वन का डिफरेंशियल जीरो माइनस क्या हो जाएगा रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का चेन रूल से क्या करेंगे फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स दैट इज प्लस हो जाएगा ये, अब ये आ गया किसका ऊपर वाली ब्रांच का हो गया डेरिवेटिव, है ना, एक्स लेस देन वन के लिए कर लिया मैंने, और ग्रेटर देन वन के लिए क्या हो जाएगा बताओ, ग्रेटर देन वन के लिए हो जाएगा वन का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो और लॉग का होता है वन अपॉन एक्स, यानी कि वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगेन इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट माइनस का वन बाई एक्स,
तो ये आ रहा है माइनस वन बाई एक्स, तो चेक करो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी या इक्वल है, बताओ। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, रखो इसमें वन, तो वन पे ये तो क्या है नॉट डिफाइंड है अपना, और नीचे क्या आ रहा है माइनस वन, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर वन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर टू होगा इसका मतलब करेक्ट। ठीक है चलें आगे, चलो सेवेंथ क्वेश्चन हो गया, एट्थ क्वेश्चन नंबर एट देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू पर, इसकी लिमिट अपने को निकालनी है, तो देखो हो क्या रहा है जब आप पाई बाई टू पुट कर रहे हो, तो देखो चेक करो क्या आ रहा है, पाई बाई टू साइन पाई बाई टू वन, वन का पावर वन, वन माइनस वन हो गया जीरो, तो ऊपर तो आ रहा है अपना जीरो, ऊपर आ रहा है अपना जीरो, तो एक काम करते हैं अपन देख लेते हैं जीरो, और नीचे क्या आ जाएगा साइन पाई बाई टू अगेन वन, वन माइनस वन जीरो, और लॉग वन का वैल्यू जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, तो क्या कर लें इसमें वन एल एच रूल लगा लें, तो एल एच रूल लगाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स को इसमें क्या कर लो आप टी मान लो, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, तो काफी लेंदी चला जाएगा वो, है ना, तो इसमें क्या करा मैंने साइन एक्स को रिप्लेस कर लिया टी से, तो साइन एक्स को आप टी से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा लिमिट साइन पाई टू कितना होता है बोलो वन, तो टी टेंडिंग टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, और ये रिप्लेस हो गया आपका पूरा पूरा कंप्लीट टी माइनस टी टू द पावर टी अपॉन वन माइनस टी प्लस एल एन टी आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब जब आप एल एच रूल लगाओगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन काफी, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं आपको, अभी भी ये क्या है जीरो जीरो की फॉर्म है, तो आप इसमें एल एच रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा टी, टी का डिफरेंशिएशन वन माइनस टी की पावर टी है, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो उस केस में जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं लॉग लेते हैं, तो लॉग लोगे तो क्या होगा टी लॉग टी आ जाएगा इसका लॉग, और उसका फिर करना है आपको डिफरेंशिएशन, तो कुल मिला के क्या आने वाला है देखो, ये आपने क्वेश्चन किए होंगे काफी सारे ना, ये तो सेम आ जाएगा क्योंकि आपने इसको वाई मान के फिर लॉग लोगे तो अगेन ये वहां पर आ जाएगा ऊपर, तो टी की पावर टी आ गया, अब इसका क्या हुआ होगा टी आगे टी लॉग टी, टी लॉग टी का क्या करना है अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो टी से टी कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा वन टी का वन इंटू लॉग टी, यानी कि वन प्लस एल एन टी आ जाएगा। ठीक है कर लोगे ना ये काम तो आराम से, नेक्स्ट अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा बोलो, वन का डिफरेंस जीरो और टी का माइनस वन प्लस वन अपॉन टी, ये क्या हो गया इसका डेरिवेटिव आ गया, लिमिट टी टेंडिंग टू क्या है अपना वन, अब पुट करके देखो वन लिमिट, तो वन रखोगे तो ये तो वन हो गया, तो वन से वन कैंसिल आउट हो गया, लॉग वन की वैल्यू जीरो, अच्छा अगेन जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है मेरे ख्याल से, है ना, ऊपर तो जीरो आ रहा है नीचे भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन गई, तो एक बार और कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा चेक करो, तो वन माइनस यहां जाओ लिमिट टी टेंडिंग टू वन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, वन का डिफरेंस जीरो माइनस टी की पावर टी, फिर से वही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस टी की पावर टी इंटू वन प्लस एल एन टी। ठीक है और माइनस में क्या आ रहा है टी टू पावर टी एल एन टी और आ रहा है, तो उसको भी डिफरेंशिएट कर लो, तो एक क्या हो जाएगा देखो ये आ जाएगा आपका कर जाए माइनस, एक काम करो इसमें अभी कर लो इसमें साथ में ना क्या लिखोगे वन प्लस एल एन टी का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब वन प्लस एल एन टी का आप करोगे तो क्या आएगा ये आएगा माइनस टी टू द पावर टी अपॉन में टी, मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया इसको सेकंड फंक्शन मान लिया ना, तो टी टू पावर टी का तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया टी टू द पावर टी इंटू वन प्लस एल एन टी, और एक वन प्लस एल एन टी पहले से था तो उसका क्या बन गया होल स्क्वायर, और प्लस यानी कि बाहर माइनस है तो माइनस, वन प्लस एल एन टी का वन अपॉन टी तो वन अपॉन टी इंटू पहले वाला फंक्शन। ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा देखो जरा नीचे आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर, अब ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा इसका मतलब अब अपने को लिमिट मिल जाएगी आराम से कोई दिक्कत नहीं है, तो रखो इसमें वन, तो नीचे तो आ गया माइनस का वन, ऊपर बोलो ऊपर क्या आ रहा है चेक करो, तो लॉग वन की वैल्यू जीरो हो गई ये वन आ गया, तो माइनस का वन और माइनस वन तो माइनस का टू आ रहा है ऊपर, तो कुल मिला के इसका मतलब लिमिट कितनी आ रही है टू आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन है ना, आपको आराम से करना है जल्दबाजी नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा तो गुस्सा बहुत आएगा है ना, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से करनी है कैलकुलेशन है ना, प्लस माइनस की गलती भी होगी तब आंसर सीधे गलत हो जाएगा। ठीक है तो हो सकता है उसमें आंसर दे रहा हूं माइनस टू, तो आप माइनस टू टिक करके आ जाओ एक बार में ना खुश हो जाओ, तो वो काम अपने को नहीं करना है। ठीक है ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा और, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आया नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या कह रहा है देखो, इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ लाइन दिस ए बिलोंग्स टू आर अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज निकालनी है, तो इसका मतलब जब बस y कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या करना है अपने को y का साइन चेंज करना है सिर्फ, दूसरी बात यहां पर एक अननोन है a, जो अपने को क्या दे रखा है a बिलोंग्स टू r, तो a बिलोंग्स टू यदि r दे रखा है
तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये, तो है ना, माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। तो एक काम करो ना, पहले आप ए की जो वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, वो निकाल लो, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। तो अपने को पता है कि इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होगा साइन इनवर्स का, वो क्या होता है, माइनस वन से प्लस वन। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, माइनस वन से प्लस वन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, सुनो मेरी बात। आपको पता है कि ए टू दी पावर सिक्स प्लस वन, ठीक है, की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होनी चाहिए, या उसके इक्वल भी हो सकती है। और यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ध्यान से आप, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि ए की पावर कैसी है, इवन पावर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो प्लस वन वन, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, यानी कि ये वैल्यू तो क्या होगी, आइदर इट विल बी इक्वल टू वन या वन से बड़ा होगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है अपने को, वन। तो इसका मतलब दिस वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल गेट ए इक्वल टू जीरो। बोलो गलत तो नहीं कह रहा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, जो इनके डोमेन में होगी, जिसके लिए क्या होगा, इनका डोमेन सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ए की वैल्यू आप जीरो रख दो पहले, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर, तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स वन, तो कितना हो गया, पाई बाई टू। यहां बोलो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वन यानी कि जीरो। ये कितना हो गया, कॉस इन टेन इनवर्स वन यानी कि पाई बाई फोर। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। कितना बचेगा, पाई बाई फोर। तो क्या करना है अपने को, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे x माइनस y बराबर पाई बाई फोर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, x माइनस y, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब। ठीक है ना, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्या कह रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस। इस इक्वालिटी का क्या करना है अपने को, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लें इसको, इनवर्स फंक्शन आ चुका है ना, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। बोलो क्या लिखा हुआ है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स लेस देन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव, है ना, सॉल्व कर लेते हैं सीधे ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव। तो मेरे को ये बताओ आप कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है अपना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ बनता है अपना ये, जीरो से पाई देन पाई से टू पाई। ठीक है, जीरो है, ये क्या है अपना पाई और ये टू पाई। तो जीरो से पाई में क्या होता है अपना वाई इक्वल टू एक्स, पाई से टू पाई में क्या होता है वाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस का, तो एक्स है स्लोप इसका माइनस वन है, और कहां से पास हो रहा है टू पाई से, प्लस टू पाई। ठीक है, तो ये आ गई इसके ब्रांच। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस फाइव है, तो यहां पर एंगल, यहां पर एंगल कितना है कॉस का फाइव है, तो फाइव रेडियन का मतलब कितना हो गया टू पाई से कम, 2 पाई कितना होता है 6.28, तो 6.28 से कम है 5, तो इस वाली ब्रांच पे आएगा। तो इस ब्रांच पे क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस एक्स प्लस टू पाई। तो उसको मैं सीधे क्या लिख दूं, माइनस एक्स, एक्स बोले तो माइनस का 5 प्लस 2 पाई। चलो आगे चलते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। अब साइन 3 का क्या होता है अपना पता है आपको, बाकी तुम लोगों ने याद कर रखा हो और भी अच्छी बात है ना, बाकी आप ग्राफ से कर सकते हो हमेशा, है ना। तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में क्या होता है वाई बराबर एक्स होता है, ये तो याद है ना, माइनस पाई टू से प्लस पाई टू क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स, एंड देन ये पाई से पास होता है, ये क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। ठीक है ना, तो इसकी ब्रांच क्या है, ये थ्री है, थ्री रेडियन है, तो थ्री रेडियन कितना होगा पाई से जस्ट कम होगा। तो इस वाली ब्रांच पे आएगा तो कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस पाई, तो माइनस टू इन टू माइनस एक्स बोले तो माइनस थ्री प्लस पाई। इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो गया देखो माइनस का टू पाई और प्लस का टू पाई, तो पाई से पाई तो कट गया, क्या बच गया सिर्फ सिक्स और माइनस फाइव, तो प्लस का वन बचेगा। तो इनइक्वालिटी आ गई अपनी सिंपलीफाई होके, बहुत ही प्यारी सी इनइक्वालिटी आ रही है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और वन वन जाके क्या हो जाएगा माइनस का लेस देन जीरो। तो कितना आ रहा है, सिक्स वन जा सिक्स, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, तो ये आ गया सिक्स एक्स प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहां से माइनस वन अपॉन सिक्स से प्लस वन, माइनस वन अपॉन सिक्स से प्लस वन आ रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, क्या पूछ रहा था ये, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा इस इंटरवल में, एक ही इंटरवल एक ही आ रहा है ना जीरो, तो क्या आएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है,
लिमिट अपने को इसकी निकालनी है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। अपने को दिख रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, जब एक्स की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखोगे तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, और अपने को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे, पढ़ाए ना आपने कि या तो फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, तो एक बार देख लेते हैं सिंगल एक बार रैशनलाइज करके, है ना, क्या आता है। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्स है ना, एक्स क्या करें बताओ, मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स, मैंने क्या किया प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, प्लस में आ जाएगा रूट एक्स, और लिमिट है अपनी एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। चलो तो एक काम करते हैं, अब एक्स एक्स तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, समझ गए ना, ऊपर क्या हो गया, जब प्लस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट हट गया दोनों का, ठीक है ना। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, अब क्या करना है अपने को बताओ, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो भी होगा उससे डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि ये जो इन्फिनेट रखोगे तो इन्फिनेट अपॉन इन्फिनेट की फॉर्म बन रही है, इसको दो तरीके से अपन करते हैं, या तो आप रेशनलाइजेशन को एलएच रूल लगा सकते हो ना, नहीं तो आप क्या करो इसमें सीधे सीधे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो। तो एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर क्या आ गया, रूट एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर द रूट ऑफ वन प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स, और नीचे क्या बचेगा बताओ, नीचे से रूट एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बोलो, यहां से ये रूट एक्स बाहर चला गया, यहां क्या बचेगा, वन प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में क्या बच गया इनके एक्स, और प्लस में कितना बच गया यहाँ पे वन, ये बाहर आ गया, और लिमिट क्या चल रही है अपनी, यहाँ पे लिमिट चल रही है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट सेम, है ना, ठीक है। अब बताओ क्या हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, जिसकी वजह से इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म बन रही थी वो टर्म हमने कॉमन लेके काट दिया, है ना। अब देखो ध्यान से, अब इन्फिनिट रखोगे तो यहाँ रूट एक्स है यहाँ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो आ गया, यहाँ पे क्या है, अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स, यहाँ तो एक्स पावर वन अपॉन फोर, यहाँ एक्स पावर हाफ आ रही है और यहाँ पावर वन है, तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, तो यहाँ पे वन प्लस वन तो कितना हो गया नीचे टू, और ऊपर कितना आ रहा है वन, तो आंसर क्या आएगा इसका, मतलब वन बाई टू, लिमिट कितनी आएगी इसका, मतलब वन अपॉन टू आएगी। तो क्या पूछ रहा था इसमें, ये लिमिट पूछ रहा था सीधे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर इफ लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट दिस, इसकी लिमिट पूछ रहा है वो, तो क्या करोगे बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अननोन है, ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता है कैसे निकाला जाता है, आप क्या करो इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है, फाइनाइट है लिमिट, है ना, कितनी है टू, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी होती है अपने को, है ना, इन्फिनिट को टेंड कर रहा है तो उसको टेंड नहीं होना देना है इन्फिनिट को। तो चलो आ जाओ करते हैं शुरू, सबसे पहली बात एलसीएम लोगे, आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, मैं सीधे ले दूँ एलसीएम, है ना, सीधे एलसीएम लिख के मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो एलसीएम आएगा यहाँ एक्स क्यूब, और यहाँ आएगा माइनस का ए एक्स क्यूब, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब से आएगा वन माइनस ए, और चलो आगे फिर आएगा बी एक्स स्क्वायर, चलो माइनस का बी एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स का टर्म क्या आएगा, एक्स का टर्म नहीं आएगा इसमें, नहीं आएगा, माइनस का ए एक्स आएगा और प्लस का वन आ रहा है, ठीक है ना, और नीचे तो वही है सेम एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी जो लिमिट दे रखी है अपने को वो कितनी दे रखी है, टू दे रखी है। तो एक बात बताओ मेरे को, लिमिट यदि टू दे रखी है इसकी, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इसका मतलब, और जब आप इसमें एक्स की वैल्यू इन्फिनिट टेंड कर रहे हो, है ना, तो जब एक्स इन्फिनिट रखोगे तो क्या होगा, ऊपर तो आ गया इन्फिनिट, क्योंकि ऊपर हाइएस्ट आपने पढ़ा हुआ है कि जब न्यूमिनेटर में पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो लिमिट किसको टेंड कर रही है, इसकी इन्फिनिट को, तो लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो है टू, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होना चाहिए, इसमें जीरो होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए एक्स क्यूब का टर्म, तो उसका मतलब क्या हो गया, वन माइनस ए मस्ट बी जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बेटा, वन आ गई, और ए की वैल्यू वन आ गई, तो ये टर्म तो हो गया गायब, अब बचा कौन, ये बच गया, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो बताओ ए की वैल्यू वन रखते हैं इसमें अपन, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का बी एक्स स्क्वायर, वन रखते हैं तो माइनस का एक्स प्लस का वन अपॉन में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये लिमिट जो है वो कितने, किसके इक्वल है, टू के। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, जब भी अपने पास इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म होगी तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशियंट है उनका जो रेशियो है दैट विल बी योर लिमिट, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो है माइनस बी, यहाँ पे कितना है वन, तो माइनस बी अपॉन वन इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस बी अपॉन वन इक्वल टू टू, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस टू आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई वन और बी की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस टू, तो ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू माइनस टू, ऑप्शन नंबर
थ्री सही होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो इजी रहेगा आपके लिए ना। कई बार क्या होता है कि सीरीज का भी एक्सपेंशन करना हो जाता है अपने को, है ना, तो वो भी अपन कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, यहाँ पे तो हो गई नहीं ना सीरीज, कौन सी एक्सपेंड करोगे आप। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट दिस। चलो आंखों ही आंखों में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या करना है, 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एक्स है। तो एक बात बताओ मेरे को आप, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है तो जब आप इन्फिनिट रखोगे तो ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है, तो यहां तो क्या कर दो आप, पहले एक्स से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा ये, आ जाएगा लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन ई माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल टू द पावर क्या है ये एक्स। अब आप जब एक्स इन्फिनिट टेंड कराओगे तो 1 अपॉन इन्फिनिट तो क्या हो गया 0, तो ये तो क्या हो गया 1 अपॉन 1, तो 1 बच गया, तो 1 अपॉन ई माइनस 1 बचेगा नीचे, तो 1 अपॉन ई माइनस 1 बेस में और ऊपर पावर टेंड कर रही है इन्फिनिट को, तो आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन ई जो वैल्यू है ये क्या है 1 से छोटी है, तो माइनस 1 करोगे तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, तो बेस कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो क्या आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे समझ में, चले आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू द पावर एक्स प्लस दिस दिस दिस। ठीक है, तो पहले आप 2 रख के देखो क्या हो रहा है लिमिट में, चेक करते हैं लिमिट किसकी तरफ जा रही है ना, तो 2 to the power 2 तो हो गया 4 और ये हो गया 2 2 और 4 6 6 माइनस 6 0 0 0 की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब चेक कर लो आराम से 2 की पावर -2 यानी कि माइनस का हाफ, सॉरी प्लस हाफ आ जाएगा, ये आ गया हाफ, तो ये कितना हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया 0 बाई 0 की फॉर्म है। तो एक काम करो आप इसमें क्या लगा दो, LHRU लगा दो सीधे ना, LHRU लगाने से पहले एक काम करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर, इसको सेपरेट कर लो दोनों को, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 की पावर x प्लस 8 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 6 और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर x का अंडर रूट माइनस 2 अपॉन 2 टू द पावर x। एलसीएम ले लो, तो लिमिट किसको टेंड कर रहा है अपना, लिमिट टेंड कर रहा है 2 को, तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीधे ना इसको, तो क्या कितना आ जाएगा 4 की पावर x आ जाएगी यहाँ से, माइनस 6 into 2 की पावर x आ जाएगी प्लस 8 और नीचे पता है क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 to the power x से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले को पूरे को, तो यहाँ तो बचेगा अंडर द रूट ऑफ 2 की पावर x और माइनस में कितना बचेगा 2। अब जब लिमिट टेंड कराओगे आप 2 को तो देखना क्या हो रहा है, अब रख के देखना 2 को, तो अभी वही बन रही है 0 0 की फॉर्म बनेगी इसमें ना, 0 0 की फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप इसमें LHRU लगा दो, तो LHRU लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा ना, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8। कर लिया ना इसको आराम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गिवन a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, अ रिलेशन डिफाइंड और a रिलेटेड टू b, कैसे कि a एंड b आर को प्राइम, a और b जो है वो क्या है, को प्राइम है, को प्राइम का मतलब क्या हो गया, जिनका SCF 1 होता है। तो कह रहा है कि बताओ कौन सा सेट होगा, उसका डोमेन क्या होगा R का, तो एक बात बताओ पहले, तो सेट R, R सेट बनेगा क्या अपना, R सेट बनेगा अपना यस, R सेट क्या बनेगा अपना, R जो सेट बनेगा वो हो जाएगा, देखो एक तो इसमें क्या आएगा, 1 1 आएगा, सॉरी 1 2 1 2 शुरुआत होगी, तो क्या क्या आ जाएगा 1 2 1 4 1 5 सही है। नेक्स्ट 2 2 तो होगा नहीं, 2 4 भी नहीं होगा, क्या होगा डायरेक्ट 2 5, क्यों, क्योंकि जिनका SCF 1 आना चाहिए, तो 1 के साथ तो सबका SCF 1 ही आएगा, और 2 के साथ SCF किसका बनाएगा, 2 और 5 का, क्योंकि 2 और 2 का SCF कितना होता है 2, और 2 और 4 का भी 2, अगेन 3 के साथ चलो आप, तो 3 में क्या है बताओ, 3 का 2 के साथ आएगा, 3 का 4 के साथ आएगा, 3 का 5 के साथ भी आएगा, फिर 4 का भी हो सकता है, 4 का 5 के साथ हो जाएगा, 5 का 2 और 5 का 4 दोनों के साथ हो सकता है, तो इसका मतलब डोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे इसके, क्या आएंगे डोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
एन ए गिवन है आपको, एन बी गिवन है, एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, कितना 4। तो कह रहा है बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो एक बार बताओ मेरे को आप, मैंने एक सेट मान लिया ए और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं, 7 है, तो 1 2 3 4 और ए बी सी, ये 7 एलिमेंट मान लिए मैंने, ठीक है। और एक बी सेट मान लिया, इसमें 4 एलिमेंट कॉमन लेने हैं अपने को दोनों में, तो 1 2 3 4 और डी ई एफ जी, ये 8 एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। अब दोनों में क्या है, 4 एलिमेंट्स कॉमन है, तो अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपने को, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वो सॉरी दोनों का ए क्रॉस बी निकालने के बाद, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे और बी क्रॉस ए में जो आएंगे उसमें कितने ऑर्डर पेयर कॉमन होंगे ये निकालना है अपने को। तो एक काम करो आप, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे, इसमें क्या जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे, 2 1 2 2 2 3 2 4, तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या देंगे, कॉमन पेयर देंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 4 एलिमेंट 4 के साथ पेयरिंग करनी है, तो 4 चौक 16, तो टोटल कितने होंगे 16 होंगे इस केस में ना, कितने होंगे 16 होगा दोनों का इंटरसेक्शन, सही है ना, दोनों में कॉमन कितने पेयर होंगे 16। चले आगे, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग इन द रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर 4 टाइम्स ऑफ 10x इनटू कॉस एक्स। तो एक काम करो आप, क्या करोगे बताओ, नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं आपको इसकी रेंज में, तो एक काम करो पहले तो आप क्या करोगे, पहले तो एक काम करो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसको लिख लो एफ एक्स बराबर 4 साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस से कॉस काट दिया, लिख दिया साइड में क्या कि कॉस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 4 साइन एक्स ये आ गया एफ एक्स, जहाँ पे कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ कॉस यदि 0 नहीं होगा तो साइन क्या नहीं होगा, साइन प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, साइन क्या नहीं हो सकता, प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब साइन एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस 1 से प्लस 1। लेकिन अपने को क्या कह रहा है वो बताओ, साइन की रेंज यदि माइनस 1 से प्लस 1 होती है तो 4 साइन की रेंज क्या होगी, 4 साइन की रेंज हो जाएगी आपकी माइनस 4 से प्लस 4 हो जाएगी, यानी कि जो एफ एक्स की रेंज है वो आ रही है मेरी माइनस 4 से प्लस 4। बट इसमें वो ये कह रहा है कि कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, साइन एक्स यदि प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 शामिल नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो इंटीजर्स होंगे इस रेंज में माइनस 4 से प्लस 4 है ना नॉट बिलोंग्स टू, इनको छोड़ देना है, किसको, प्लस माइनस 1 को, तो प्लस माइनस 4 नहीं लेंगे, तो एफ एक्स की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, सिर्फ माइनस 4 से प्लस 4 ओपन इंटरवल। तो माइनस 4 से प्लस 4 में क्या आएगा बताओ, कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, 3 4 3 2 1 -3 -2 -1 and 0, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे 7, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इफ एफ वन इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ ए प्लस के बराबर 16 इंटू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करो पहले तो आप याद करो वो दिन, कौन सा दिन, जब आपको बताया गया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो फंक्शन क्या लेट करोगे आप इस केस में, फंक्शन जो लेट करोगे वो आप करोगे एफ एक्स प्लस वाई, तो क्या लेट करोगे, तो फंक्शन लेट करोगे आप इसमें एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, इसमें स्मॉल ए पहले से है तो मैंने कैपिटल ए ले लिया, ठीक है, तो ए टू द पावर एक्स ले लिया, तो फंक्शन एफ एक्स यदि ए टू द पावर एक्स है तो इस केस में मैं कह सकता हूँ एफ वन की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, तो एफ वन की वैल्यू आनी चाहिए 2, तो ए टू द पावर 1 बराबर 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, और ए की वैल्यू यदि 2 आ चुकी है तो अपन कह सकते हैं जो एफ एक्स है फंक्शन वो क्या बन गया 2 टू द पावर एक्स, तो फंक्शन यदि 2 की पावर एक्स के इक्वल है, तो फंक्शन यदि ये है तो आप लिख दो इसमें एफ ऑफ ए प्लस के किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, सिग्मा, तो यह आ जाएगा सिग्मा 2 टू द पावर ए प्लस एक्स सॉरी ए प्लस के, और के की वैल्यू जो है कहां से कहां तक है वो 1 से लेकर एन तक, तो एक काम करते हैं ए 2 टू द पावर ए तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लो आप, तो 2 टू द पावर ए तो आ गया बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 2 की पावर के, और उसमें क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 कहां तक जाएगा ये 2 की पावर एन तक, कर लोगे इनका सम आप आराम से 2 टू द पावर ए इंटू, बताओ क्या बन रही है, जीपी बन रही है, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, सही है,
सही है ना, मैंने टू बाहर ले लिया इसमें से पहले, है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, टू। ये नहीं भी लोगे कॉमन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है बताओ जल्दी से, 16 इंटू दिस, 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के। अब कर लोगे सॉल्व इसको आराम से, 2 की पावर कितना हो गया, a+1, a+1 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 4 है ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आ जाएगा ये, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू है 3, तो 2 की पावर n माइनस 1 3 आ रही है, सही है, 3 आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, समझ आई बात नहीं आई, ये आप याद रखो, है ना, फंक्शनल इक्वेशन आपको याद है अच्छे से कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ एक्स इंटू एफ वाई के, तो फंक्शन कैलकुलेट करते हैं अपन a टू द पावर x, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर। एफ फंक्शन है, आर टू आर डिफाइंड है बाय एफ एक्स इक्वल टू x³ + 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इजी क्वेश्चन है काफी, कर दिया होगा सबने, एफ एक्स इक्वल टू, बोलो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अपन पहले एक्स को वाई से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा यहां से, एक्स इक्वल टू आ गया एफ एक्स माइनस वन होल टू द पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा ये, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस वन होल टू द पावर 1/3, और कितना चाहिए तुम्हें, एफ इनवर्स 28 चाहिए, तो कितना हो जाएगा बोलो, 28 - 1 होल टू द पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कर दिया होगा सब लोगों ने। क्वेश्चन 20, फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो पहले तो एक काम करो आप, आपको ये क्वेश्चन आपको याद होगा, है ना, इस क्वेश्चन में अपन तो सिंपल सी बात है कि, है ना, जनरली क्या होता है, गलती क्या होती है इसमें, अपन सोचते हैं कि दोनों का पीरियड क्या है, पाई है, तो पाई इसका आंसर हो गया ना, बट अपने को चेक करना होगा ना π/2 पर भी, बट π/2 आपको लगेगा कि अरे लौट के वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब गलत हो गया ना, π/2 उसका पीरियड नहीं होगा। बट अपने को ध्यान रखना है कि अपने को क्या करना है, पहले इसको सेम बना लेना है, कि इसको दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर लो। तो आप एक काम करो, क्या करोगे बताओ, आप एक काम करो, एफ एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया आपने, 1 - cos 2x / 2, और इसको लिख देना 1 + cos 2x / 2 का होल स्क्वायर, सही है, उसके एलसीएम ले लो, कॉस 2x में पूरा कंप्लीट फंक्शन चेंज हो गया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ तो नीचे कितना आएगा 4, यहाँ कितना है 2, तो 1/4 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 2 - 2 cos 2x + यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2 cos 2x + cos²2x, तो कॉस 2x से कॉस 2x हट गया, क्या बच गया 1 + 2, 3 हो गया, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड है, और इसका पीरियड कितना आएगा बोलो, कॉस स्क्वायर का पीरियड क्या होगा, पाई होगा, लेकिन कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है 2, तो पीरियड कितना आएगा π/2, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलें आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी में कौन से क्वेश्चन है अपने आपको पता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला इंटीजर इसमें क्या है, इफ पी एन इक्वल टू दिस एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर पी एन इज इक्वल टू लेमडा, देन वैल्यू ऑफ 4 लेमडा कितना होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको आप देखो ध्यान से, तो जब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या होगा, 0 को टेंड कर रहा है सारे सारे, ठीक है, लास्ट में क्या रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, ओके। तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन को, सीरीज वाले क्वेश्चन को अपन किससे करते हैं, या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से या फिर अपन सैंडविच थ्योरम से। तो एक काम करते हैं आप, इससे इसको पॉसिबल नहीं है ना, इसको पॉसिबल नहीं है, टफ हो जाएगा क्या, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से, याद है ना, आर अपॉन एन को अपन क्या मानते हैं एक्स, और 1/n को dx। तो एक काम करते हैं फिलहाल अपन सैंडविच थ्योरम से करते हैं। तो एक बात करो, एक काम करो, हर एक टर्म को क्या करो, आप चेक करो कि किस से टर्म से बड़ी होगी किस से छोटी होगी। तो आप फाइंड करोगे आराम से, तो आपको पता चलेगा कि जो पी एन है इसकी जो, ये जो पी एन है ना, ये इन बिटवीन होगा किसके, पी एन इन बिटवीन होगा 1/, आप क्या करो डिनोमीटर को तो सेम रखो, न्यूमीटर को अलग करो बस, तो 1/(n²) + 2/(1+n²), 1 मिनट रुको जरा, 1+n², तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, तो ये तो आ गया तुम्हारा 1+n² और 2+n² 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है अपनी, ये कैसे बड़ी होगी, ऑलवेज डिनोमिनेटर हो गया छोटा, तो न्यूमिनेटर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका
तो इसका मतलब यहां पे क्या लेना पड़ेगा अपने को n, ठीक है ना, यहां पे क्या लेना पड़ेगा n, n प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना। और कहां तक जाएगी ये कहानी बताओ, मैं इसको दोबारा से रीराइट कर दूं पूरा, है ना, रीराइट कर लेते हैं अच्छे से पूरा। तो मैंने लिख दिया यहां पे पी एन, है ना, ये इन बिटवीन किस किस के होगा बताओ, वन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, टू अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा यहां पे, एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, सही है ना। और लास्ट में क्या जाएगा बताओ, यहां पर क्या जाएगा, यहां आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, टू अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, अब आप इसकी लिमिट आराम से निकाल सकते हो, सबका क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है बताओ, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो ऊपर तो आने वाला है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और नीचे एलसीएम क्या है सबका सेम वन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, यहां भी सबका एलसीएम क्या है सेम आ जाएगा एन प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो यहां पर क्या आ गया तुम्हारा, यहां पर क्या आ गया तुम्हारा, यहां पर अब लिमिट क्या लगाते हैं बताओ, एन टेंडिंग टू इन्फिनिट लगा दें, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट होगा तो क्या आएगा बताओ, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी से देखो क्या होने वाला है, ऊपर एन स्क्वायर नीचे भी एन स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, तो यहाँ पे एन स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आएगा वन, यहाँ पे कितना आएगा टू, तो कितना आएगा अपना लिमिट, अपना आएगा लिमिट वन बाई टू, और यहाँ भी लिमिट कितना आ रहा है वन बाई टू आ रहा है, इसका मतलब जो पी एन की लिमिट है वो कितनी रही होगी वन बाई टू ही रही होगी, तो पी एन की जो लिमिट है वो कितनी रही होगी वन बाई टू, तो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो वन अपॉइंट टू आएगी, तो फोर लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जीरो टू, ठीक है ना। चलो कर लेंगे नेक्स्ट, चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू और x की पावर n माइनस टू टू द पावर n अपॉन में x माइनस टू बराबर 80, एंड n टेंडिंग टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, देन द वैल्यू ऑफ n क्या होगी, तो आसान है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो आप, है ना, किसकी फॉर्म बन रही है बताओ, ये जीरो बाई जीरो का, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, तो क्या करो आप इसको, या तो फॉर्मेट लगा दो सीधे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस वन, x कितना है इसमें टू, तो टू रख दो इसमें, तो कितना जगह n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, और बराबर कितना है ये 80 है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 16 पंजे 80, तो 5 इंटू 16 यानी कि 2 की पावर 4, तो हो गया प्यार से क्वेश्चन बहुत ही, है ना, 2 की पावर 5 माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करोगे तो बताओ, कंपेयर करो इससे, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो n की वैल्यू यदि 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, n पूछ रहा था वो, तो आंसर क्या आएगा 05, आंसर क्या आएगा 05 आएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, लिमिट, इसकी लिमिट निकालनी है सिंपल एकदम, स्टैंडर्ड लिमिट एकदम 10x अपॉन x, ध्यान से देखो आप, x जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो क्या होगा, 2 की पावर इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो a अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो a अपॉन इनफाइनाइट यदि 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 10 0 हो गया, और यहां पे भी क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो इसको आप बस कुछ मत करो नीचे लेके आ जाओ, इसको क्या करो आप नीचे लेके आ जाओ, तो 0 इंटू इनफिनिटी फॉर्म बन रही है ना ये, 0 इंटू इनफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या करो इसको नीचे लेके आ जाओ, तो एक काम कर सकते हो आप, इसको प्यार से लिखो 10 a अपॉन 2 की पावर x, और 2 की पावर x माइनस 1 है ना, तो 2 की पावर माइनस 1 को तो अलग कर लो, और 2 की पावर x जो बचा उसको नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन में 2 की पावर x आ गया, और लिमिट किसको टेंड कर रहा है बोलो, x टेंडिंग टू इनफिनिट, अब इसको क्या करो आप a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दो, तो उससे क्या होगा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा, सही है, टेन एक्स अपॉन एक्स ही फॉर्म बन गया, जब x टेंडिंग टू 0 होता है, एक्चुअल में क्या होता है ना, जो 10 का जो अंदर एंगल है दैट मस्ट बी टेंडिंग टू 0, है ना, वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो x जब इनफिनिट को टेंड करेगा तो ये जो एंगल है वो किसको 0 को टेंड कर रहा है, और ये भी किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो 10 0 बाई 0 की फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब क्या हो गया ये तो जाएगा 1 को, तो क्या बच गया आपके पास a बाई 2 बच गया, तो a बाई 2 बराबर क्या है यहाँ पे a अपॉन p, तो क्या पूछ रहा है ये p की वैल्यू, तो 2 आ जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, सही है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड ln ऑफ x प्लस y बराबर 2xy, देन f डैश 0 कितना होगा,
इधर निकाल दोगे आप, है ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस वाई डैश बराबर टू वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन वन इंटू वाई प्लस टू एक्स इंटू वाई डैश। अब क्या करना है अपने को, वाई डैश जीरो निकालना है, तो आप एक्स की जगह जीरो रख दो, तो यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ पे आ गया वाई की वैल्यू, जब जीरो है एक्स, यहाँ पे क्या जाएगा वन प्लस वाई डैश जीरो इक्वल टू टू वाई जीरो प्लस टू इंटू जीरो, तो जीरो हो गया कंप्लीट। तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो ये एक्स की वैल्यू जीरो करोगे तो यहाँ पे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो लॉग की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक लॉग के अंदर वैल्यू कितनी हो, वन हो, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपनी, वन होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू जीरो रखी आपने, तो लॉग वाई, वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब वन होनी चाहिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। एक्स की वैल्यू जीरो पर, तो वन अपॉन यहाँ पे कितना आ गया वन, यहाँ आ गया वन प्लस वाई डैश कितना जीरो इक्वल टू कितना है टू इंटू वन, तो कितना आंसर आएगा बोलो, वन माइनस करोगे तो वन आ जाएगा। इसका मतलब वाई डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, वन आ रही है, आप चेक कर लोगे आराम से, ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। लेट ए इक्वल टू दिस एंड फंक्शन एफ ए से ए इज सच दैट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन द टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन एज। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, तो पहले तो आप ये बताओ मेरे को, आपने पढ़ा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ाया आपने, ये हो गया ना वही क्वेश्चन कि पांच लिफाफे हैं और पांच ही अपने पास लेटर हैं, तो उनको ऐसे पोस्ट करना है कि कोई भी लेटर सही पते पे ना पहुंचे। तो डी अरेंजमेंट थ्योरम आपने पढ़ी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो कोई भी लिफाफा अपनी सही जगह पर ना पहुंचे, या फिर ऐसा करते ना पांच बच्चे हैं उनकी पांच सीटें जो अलॉटेड है उनको, बट उनमें से उन बच्चों को हम कितने तरीके से बिठाएं कि कोई बच्चा अपनी सही सीट पर ना बैठे, तो वही क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है अपने को, पांच चीजें हैं उनको डी अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बोलो, है ना, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स एक्स जो जो इनपुट दिया है वो आउटपुट नहीं आना चाहिए, तो वन वाला वन की जगह नहीं आए, टू पर टू नहीं आए, थ्री पर थ्री, फोर पर फोर, फाइव पर फाइव नहीं आना चाहिए। तो क्या होता है बताओ, डी एन इक्वल टू पढ़ा है ना आपने, एन फैक्टोरियल इंटू वन वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ऐसे होता है, नहीं होता। तो इसमें एन की वैल्यू कितनी है, पांच है, पांच एलिमेंट्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी ले लो आप, पांच ले लो, तो उसको कहाँ जाके रोक दोगे, फाइव पर, और एन की वैल्यू क्या रख देना है यहाँ पर, फाइव रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, 44 आएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट मतलब कॉमन क्वेश्चन है काफी, है ना, कि पांच लिफाफे पांच लेटर उनको गलत पते पे भेजना है सबको, तो क्या कितने तरीके होंगे, तो 44 आएगा, है ना। तो कल को सर इसको इस तरीके से आप, तो ये क्वेश्चन था, है ना, तो इस तरीके से आपकी ये जो पांच चैप्टर्स है ना इसके क्वेश्चंस थे ये, बाकी आप नेक्स्ट सिक्स्थ टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार करो, बाकी अच्छा चल रहा होगा, जो भी डाउट्स हैं आपके वो ऐप है ही अपनी सीएलसी की, उस पर डाउट्स भेज सकते हो अपने। इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू।